हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अनस्टॉपेबल इंजीनियर्स। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट जॉब अपडेट्स लेकर आए हैं। आपको पता है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर डेली आपके लिए जॉब अपडेट्स आते रहते हैं। तो आज के जो अपडेट्स हैं वो ग्रेजुएट्स हो गए या डिप्लोमा वाले हो गए उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। वो वीडियो को स्किप मत करना, आपके लिए आज के इस वीडियो में बहुत कुछ रहने वाला है। सबसे पहले इंडियन नेवी की बात करें, इनकी तरफ से जो लेटेस्ट रिक्रूटमेंट हो रही है, लास्ट डेट अप्लाई करने की 5 अक्टूबर है। 5 अक्टूबर तक आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। देखो कई सारी वैकेंसीज़ यहाँ पर हैं। जैसे मान के चलो, अगर आप अप्लाई करना चाहते हो जनरल सर्विस के लिए, तो बीटेक किसी भी ब्रांच पे आपने किया कम से कम 60% मार्क्स से आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। 45 वैकेंसी सिर्फ मैन यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की बात करें, बीटेक अगर आपने किया किसी भी डिसिप्लिन में 60% मार्क्स से आप यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर मैन भी अप्लाई कर सकते हैं, वुमेन भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर डिफरेंट कैटेगरीज हैं। लॉजिस्टिक की बात करें, पे मैन वुमेन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। बी बीटेक होनी चाहिए और एमबीए भी यहाँ पे साथ में होनी चाहिए, और बीएससी बीकॉम भी किया तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। एजुकेशन की बात करें, यहाँ पर क्या रहने वाले, मैन वुमेन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एमएससी अगर आपने किया, फिर एमए हिस्ट्री में करी है या बी बीटेक करी है, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। और टेक्निकल ब्रांच में भी कई सारी वैकेंसीज यहाँ पर आपको देखने को मिल रही होंगी। बी बीटेक करी है अगर आपने, तो कई सारे ब्रांचेज वाले यहाँ पर एलिजिबल हैं, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। तकरीबन हर एक ब्रांच, अगर यहाँ पे सिविल मैकेनिकल है तो यहाँ पे मैकेनिकल है, ऑटोमेशन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो सभी ब्रांचेज जो हैं बीटेक वाले, उन सभी के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वो सभी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आगे चल जाते हैं यहाँ पर, और इंपॉर्टेंट डिटेल्स यहाँ पर क्या है, अगर आप फाइनल ईयर में हो तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। अगर आप ग्रेजुएशन कर आपने कर दी है या फिर फाइनल ईयर में हो तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। और आपकी जो सिलेक्शन वगैरह होने वाली है वो आपके जो परसेंटेज है उसके बेसिस पे होने वाली है, और उसके बेसिस आपको एसएसबी इंटरव्यू होगा, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का जो इंटरव्यू होता है उसके बेसिस पे फाइनल आपकी सिलेक्शन होने वाली है। तो जो भी आपको अप्लाई करना है तो 5 अक्टूबर से पहले पहले आपको अप्लाई करना है। इंडियन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट joinindiannavy.gov.in पर जाओगे, आप वहाँ पर जाके अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने अभी तक ये वाला चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि इस तरह के अपडेट्स आपको मिलते रहते हैं। और आप में से कुछ अगर स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एसएससी जेई की तैयारी करना चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। मैं प्लानिंग कर रहे हैं एसएससी जेई के लिए, बट फिलहाल वो बाद में करवाएंगे, बट मैं देखना चाहता हूँ कितने स्टूडेंट्स यहाँ पे एसएससी जेई की तैयारी करना चाहते हैं। फिलहाल हमारा कुछ और प्लान है, वो कुछ दिन में आपको पता लग जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की, देखो इंडियन नेवी की हमने बात की थी, वहाँ पर 181 वैकेंसीज थी। यहाँ पर जब हम IOCL की बात करते हैं, यहाँ पर 513,513 वैकेंसीज यहाँ पर निकाली गई हैं। इनकी बात करें, यहाँ पर क्या रहने वाला है, आपकी जो सैलरी रहने वाली है वो 25,000 से स्टार्ट होगी, किसी किसी पोस्ट में 1 लाख भी रहने वाली है। आगे चल लेते हैं यहाँ पे, तो और हम डिस्कशन यहाँ पे कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जैसे देखो यहाँ पे कई सारे वैकेंसीज हैं, जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट 4 की वैकेंसीज हैं, जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज हैं, जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट की वैकेंसीज हैं। यहाँ पे इस तरह से आपको दिख रहा होगा इंस्ट्रूमेंटेशन, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में यहाँ पे वैकेंसीज निकाली गई हैं। हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे थे कौन कौन यहाँ पर एलिजिबल है, कौन कौन यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा करा है केमिकल रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग, या फिर बीएससी आपने किया मैथ्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। फिर 3 साल का डिप्लोमा आपको मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। 3 साल का डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। इस तरह से मतलब डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स यहाँ पे तकरीबन हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा चाहे मैकेनिकल में है, चाहे इंस्ट्रूमेंटेशन में है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स में है, चाहे आपने बीएससी किया फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह में, तो आप यहाँ पर इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर जूनियर इंजीनियर फायर सेफ्टी के लिए अप्लाई करना चाहते हो, मैट्रिक पास होने चाहिए, लेकिन बाकी आपके पास कुछ सब कोर्सेज भी रहने चाहिए तभी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। बाकी हर जगह यहाँ पर डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं, और बीएससी वाले, और एक जगह यहाँ पर 3 साल का डिप्लोमा नर्सिंग में करा है, फिर मिडवाइफ डिप्लोमा नर्सिंग में करा और मिडवाइफ फ्री है, तो आप यहाँ पर जूनियर नर्सिंग असिस्टेंट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। ये था IOCL की तरफ से जो इंपॉर्टेंट अपडेट था, कौन कौन एलिजिबल आपको समझ यहाँ पर आ गया होगा। और यहाँ पर अगर हम इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें, अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको IOCL की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाके विजिट करना होगा, वहाँ पर जाके अप्लाई कर सकते हो। और अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो 21 सितंबर से अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते थे, लास्ट डेट अप्लाई करने की 12 अक्टूबर है। तो आपका जो रिटर्न टेस्ट जो आपका होने वाला है वो 24 अक्टूबर को होने वाला है, और जो आपकी शॉर्ट लिस्ट वगैरह होने तैयार होनी चाहिए वो 11 नवंबर तक तैयार हो जाएगी। तो अभी तक अगर आपको इसके बारे में नहीं पता था, वीडियो को शेयर करो, मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक पहुँचाओ, ताकि उनको पता लगे किस तरह की जॉब अपडेट्स अभी फिलहाल में लेटेस्ट में आ रहे हैं और वो भी अप्लाई कर सकें। और भाई एक काम दे रहे हैं आपको कि यहाँ पर हम एक, चलो वो बाद में बात कर लेंगे, अभी रिवील नहीं करना चाहूँगा उसको मैं। हम चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की, यहाँ पर बात कर लेते हैं।
अब हम यहाँ पर बात करते हैं DRDO की तरफ से जो रिक्रूटमेंट की जा रही है, हम वो डिस्कशन करेंगे। और हम इस वीडियो में एक छोटा सा टारगेट रख के चलेंगे 1500 लाइक्स का। मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो को लाइक करोगे और ये टारगेट अचीव करने में हमारी हेल्प करोगे। वीडियो को शेयर ज़रूर करना अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लग रहा हो। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। DRDO की तरफ से कई सारी वैकेंसीज यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट वाले एलिजिबल हैं, BE BTECH डिग्री या फिर ME MTECH डिग्री वाले एलिजिबल हैं, BE BTECH डिग्री वाले एलिजिबल हैं। यहाँ पर वैकेंसीज यहाँ पे कम कम ही है वैकेंसीज वगैरह, बट अगर आप अप्लाई करना चाहते हो अप्लाई कर सकते हो। मंथली स्टाइपेंड आपको 31,000 का मिलने वाला है। तो इस तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट्स DRDO की तरफ से था। 28 साल तक जो है यहाँ पे 28 साल तक यहाँ पे एज लिमिट रखी गई है, अपर एज लिमिट रखी गई है। अगर आपको अप्लाई करना है तो RSE.gov.in के ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर अप्लाई कर सकते हो। 21 दिन का आपको यहाँ पे टाइम मिलेगा। कोई भी क्वेरी वगैरह है तो यहाँ पर कोई कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है, ईमेल ID भी दिया, इनसे कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हो। आज के लास्ट अपडेट की तरफ हम बढ़ते हैं। लास्ट अपडेट की बात करें तो पवन हंस लिमिटेड की तरफ से यहाँ पर रिक्रूटमेंट की जा रही है। यहाँ पर कौन कौन एलिजिबल है मैं आपको बताना चाहूँगा। पवन हंस लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पर देखो, अगर आपके पास डिप्लोमा है, चाहे मैकेनिकल में, चाहे एरोनॉटिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इलेक्ट्रिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन में हो, 3 साल का अगर आपने डिप्लोमा करा है या फिर कोई AME कोर्स वगैरह करा है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो पवन हंस लिमिटेड की तरफ से जो रिक्रूटमेंट की जा रही है। यहाँ पर बात करेंगे तो मंथली स्टाइपेंड आपको 16,500 रुपीज़ पर मंथ आपको मिलने वाले हैं। एज लिमिट पर 25 ईयर्स है। और यहाँ पर फिलहाल जो है सिलेक्शन जो कैंडिडेट्स होंगे ट्रेनिंग के लिए होंगे 1 साल के रखा जाएगा। 1 साल की ट्रेनिंग आपकी रहेगी, उसके बाद आपको जो है वो जूनियर टेक्नीशियन लेवल 1 के ब्रांच में आपको अगर 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन होगा, उसके बाद आगे आप कैसा काम करते हो उसके बेसिस पे आपका जो कि बॉन्ड बनते जाएंगे और आपकी जो जॉब वगैरह वो चलती जाएगी इस तरह से, और सैलरी भी बढ़ती जाएगी। और यहाँ पर अगर अप्लाई करना चाहते हो तो आप यहाँ पे pavanhans.co.in की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर जाकर विजिट कर सकते हो। और रिक्रूटमेंट प्रोसेस में जो भी सब कुछ होगा वो आपको सब कुछ यहाँ पे बता दिया जाएगा, इसी ऑफिशियल वेबसाइट में आपको पता लगता जाएगा। एप्लीकेशन फीस यहाँ पे 118 रुपीज़ प्लस GST चार्जेस वगैरह रहने वाले हैं। और 30 सितंबर से पहले पहले आपको अप्लाई करना है। एप्लीकेशन का जो फॉर्म रहेगा आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर क्लिक करना होगा, आपको मिल जाएगा। आप सिंपली जेके जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है pavanhans.co.in वहाँ पर जाके विजिट कर सकते हो, आपको सब कुछ मिल जाएगा। ये थे आज के इंपॉर्टेंट अपडेट्स। किसी भी तरह का डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछना। थैंक यू। जय हिंद।